सैदपुर इलाके में उप जिलाधिकारी पर सफाई कर्मचारी से बदसलूकी का आरोप लगा है। इस मामले में सफाई कर्मचारियों ने रविवार को बैठक कर उप जिलाधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। सफाई कर्मी भीष्म पितामह के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि राजकीय महाविद्यालय सैदपुर को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। उक्त सेंटर पर सफाई कर्मी की ड्यूटी लगी थी। शनिवार को सुबह 8 से रात 8 बजे तक वो वहां तैनात थे। इस दौरान वो वहां क्वारंटीन किए गए प्रवासी श्रमिकों के लिए बट रहा खाना लेने चला गया। सफाई कर्मी के मुताबिक उस वक्त वहां पर मौजूद उप जिलाधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने उन्हें टोका। अधिकारी ने उन्हें प्रवासी मजदूरों के साथ खाना खाने से मना भी किया। सफाई कर्मी का आरोप है कि न मानने पर अधिकारी ने उनकी पिटाई कर दी। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हमारे संग खाना खाने में SDM से SDM जी ने हमको मारा। SDM कहाँ के? सैदपुर के। SDM सैदपुर की आपको मारा? क्यों मारा? ये खाना खाने हम जा रहे थे, खाना मांगे, कहे कि तुम लोग यहाँ खाना खिलाने आए हो कि पहले तुम ही लोग खाओगे? अंकल साहब तो हमको भूख लग रही, खा ले जल जा। तो भागो 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 यहाँ से, तुम लोग को खाना नहीं है, खाना नहीं है। अब इतने बताओ कहने के भागो ना तो अभी 4 डंडा मारेंगे। अंकल साहब जो खाना खा ले जाए तो पानी लेने के ठीक से हमें सवेरे से मैंने 8 बजे से वहाँ तैनात रह ली ड्यूटी पर, 12 घंटे की ड्यूटी है। इसके बाद सफाई कर्मी नाराज हो गए और कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष राम नगीना यादव, महामंत्री ईश्वर प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष पंकज यादव, प्रांतीय परिषद के सदस्य रोशन लाल सहित अन्य कर्मियों से वार्ता करने में जुट गए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी महिपाल पाठक, खंड विकास अधिकारी दिनेश कुमार मौर्य भी मौजूद रहे। प्रभारी निरीक्षक श्याम जी यादव ने बताया कि SDM द्वारा सफाई कर्मी भीष्म पितामह के खिलाफ तहरीर दी गई है, मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं इस संबंध में उप जिलाधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय सैदपुर को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। शनिवार को जिला मुख्यालय में सैंपलिंग कराकर प्रवासी मजदूर लौटे थे, उनको खाना दिया जा रहा था। अधिकारी का कहना है कि उसी वक्त उक्त सफाई कर्मी शराब पीकर हंगामा करने लगा और क्वारंटीन सेंटर पर थूकने लगा। वो अपने ऊपर लगे मारपीट के आरोप को गलत बता रहे हैं। आपको बता दें कि पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ द्वारा इस बाबत कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे जिले के सभी सफाई कर्मचारी द्वारा कार्य का बहिष्कार भी किया जाएगा। दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव। दुर्गेश जी, क्या बात है, आपका संगठन आज बड़ा आंदोलित लग रहा है। राज्य कर्मचारी संघ परिषद एक जनपद स्तर पे बट वृक्ष, जनपद स्तर पे ग्रामीण सफाई कर्मचारी एसोसिएशन संबद्ध संगठन है। जैसा कि कार्यवाहक अध्यक्ष रोशन जी द्वारा दूरभाष से हमको सूचना दी गई, एक कर्मचारी को SDM महोदय द्वारा बर्बरता से पिटाई की गई। आज जनपद के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जिला प्रशासन का कान में जू नहीं रेंगा कि एक कर्मचारी को रात को SDM द्वारा बर्बरता से पीटा गया है और ये लोग कंप्रोमाइज समझौता और उसकी आवाज़ को दबाने के लगातार प्रयासरत रहे, न कि उसका इलाज करवाए। अब तक उसका FIR दर्ज नहीं किया गया, अब तक उसको एक ट्रीटमेंट नहीं किया गया और जिला पंचायत राज अधिकारी मदारियों की तरह से लेकर के अपने कर्मचारी को गाड़ी में लेकर के जब भटका रहे। आज की स्थिति में बता दें आपसे, सफाई कर्मचारी एसोसिएशन जो निर्णय लेगा, राज्य कर्मचारी संघ परिषद SDM को जिला अधिकारी से मांग करता है कि जब तक SDM का DO लेटर और संबंधित कर्मचारी जो भी उस घटना में शामिल हो उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो वास्तव में राज्य कर्मचारी संघ परिषद जनपद के समस्त आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आपका परिचय? मैं रोशन लाल, प्रांतीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ गाजीपुर। किस बात को लेकर आप लोग आंदोलित हैं? सर, हम लोगों को सुबह में जानकारी हुई कि सैदपुर ब्लॉक में एक क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है पंडित मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय पंडित दीनदयाल, और वहां पर एक कर्मचारी तैनात थे सुबह की पाली में। कर्मचारी का क्या नाम है? भीष्म पितामह नाम है। और उनको उनके साथ मारपीट की गई है और उनको काफी जो है कि मारा गया है। हम लोग को जानकारी हुई, हम लोग गए वहाँ
सैदपुर ब्लॉक पर गए, थाने पर गए, पूरे जो है कि वहाँ सीओ साहब आए थे, एडीएम साहब भी पहुँचे थे, लेकिन सभी लोग इस प्रकरण को हिलावाली कर रहे हैं और हम लोगों की मांग है कि जो कर्मचारी को मारा गया है दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। क्या कोई तहरीर आपने थाने में दिया है? हम लोग विश्व पितामा जी ने तहरीर दिया है, हम लोगों को भी लिखित रूप से इन्होंने दिया है संगठन, और संगठन पूरी तरह से इनके साथ न्याय कराने के लिए हर कदम से इनके साथ में रहेगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो अगले दिन से हम लोग पूरे जनपद के सफाई कर्मचारियों को काम कार्य बहिष्कार करने के लिए हम लोग अपील करेंगे और पूरा इसका विरोध हम लोग करेंगे।